दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल तेजी से कम हो रहा है और ये एक चिंता का कारण भी है, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक मर्द को सही मायनों में मर्द बनाती है। स्टडीज़ की माने तो आज के एक 20 साल के आदमी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 1987 के एक आदमी के मुकाबले 22% से भी ज़्यादा कम हो चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से मेन के मसल्स बड़े और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही एक मेन के फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही एक मेन में अग्रेशन आता है। बहुत से लोग स्टेरॉइड के रूप में टेस्टोस्टेरोन को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा बड़ा और मस्कुलर बना सकें, लेकिन उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे नेचुरल वेज बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा सकते हो और ज़्यादा मस्कुलर और मेनली बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, टेक सनलाइट डेली। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का और विटामिन डी का बहुत गहरा संबंध होता है। जब भी किसी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स सामान्य के मुकाबले कम पाए जाते हैं तो डॉक्टर उसको विटामिन डी की गोलियां खाने को बोलता है। देखो, विटामिन डी जो होता है वो बॉडी में मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बॉडी को पावर देता है और बॉडी में अननेसेसरी फैट को हटाता है। तो ये तीनों चीज़ें ही आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाती है। इसीलिए अगर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो सबसे पहले विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ाओ, और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। जब आपके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब हमारी बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए दिन में कम से कम 20 मिनट आधा घंटा धूप में जाकर जरूर बिताओ, सुबह का समय सबसे अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में दूध, दही, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स और हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें ऐड करो। जैसे जैसे आपका विटामिन डी लेवल्स बढ़ेगा आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। नंबर 5, डेली वर्कआउट। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो है डेली एक्सरसाइज करना। देखो, आज के युवाओं का टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले के लोगों के मुकाबले कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किया करते थे। पहले के लोग खेतों में जाकर काम करते थे, पसीना बहाते थे, जिस वजह से उनके शरीर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती थी। जबकि आज के टाइम पर ज़्यादातर लोगों की जॉब ऐसी है जिनमें कोई फिजिकल वर्क इन्वॉल्व भी नहीं होता, उन्हें बस एक जगह बैठे बैठे काम करना होता है। इसीलिए आज के यूथ को एक्सरसाइज के महत्व को समझने की ज़रूरत है। हर किसी को दिन में एक घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए और उस एक घंटे में तरह तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हालांकि जब बात टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने की आए तो उसमें सबसे ज़्यादा कारगर होती है वेट ट्रेनिंग। जी हाँ, रिसर्चर्स के मुताबिक अगर आपका वर्कआउट जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, यानी कि आप जितना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करोगे, जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। नंबर 4, टेक अ डाइट हाई इन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए डाइट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के टाइम पर ज़्यादातर यंग लोगों की ईटिंग हैबिट्स काफ़ी ख़राब है। ज़्यादातर बच्चे घर के बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड खाते हैं, जिससे बॉडी में एक्सेसिव फैट बढ़ता है और मोटापे जैसी समस्याएं होती है। और कई रिसर्चेस में ये पाया गया है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उतने ही कम होंगे। इसीलिए अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो बाहर का तला भुना कूड़ा कचरा खाना बंद करो और एक प्रोटीन रिच डाइट लो, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर से एक्सेसिव फैट को निकालता है और मसल साइज को बढ़ाने में मदद करता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में मसल साइज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत से पतले लोग होते हैं जिनके शरीर पर फैट तो नहीं होता लेकिन फिर भी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, क्योंकि उनके शरीर पर मसल मास भी नहीं होता। इसीलिए प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। और हेल्दी फैट से मेरा मतलब है मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, जैसे ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मूंगफली, बादाम। इन सब चीज़ों को खाने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। साथ में प्रोटीन की अच्छी मात्रा भी लो, जिसके लिए आप अपनी डाइट में दूध, पनीर, काले चने, अरहर, मूंग दाल, मूंगफली और बादाम जैसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 3, अवॉइड दीज थिंग्स टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना ही होगा। सबसे पहले एस्ट्रोजन रिच फूड। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन का बिल्कुल उल्टा होता है और ये महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उतने ही ज़्यादा डाउन होते जाएंगे। अब एस्ट्रोजन रिच फूड कौन से हैं? सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स और एल्कोहल। इन सब चीज़ों में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
खासकर अल्कोहल यानी शराब को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के रेगुलर यूज़ से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत कम हो सकते हैं। स्टडीज़ का तो ये कहना है कि शराब पीने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज होने लगते हैं। इसके साथ साथ आपको प्लास्टिक पैकेज्ड फूड और प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में पाए जाने वाले बिसोफिनॉल और पैराबेन से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर करो। नंबर 2, अवॉइड स्ट्रेस एंड स्टे रिलैक्स्ड। जब हम किसी बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम के एक हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और कई रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है कि हमारी बॉडी में कोर्टिसोल जितना ज़्यादा बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन उतना ही ज़्यादा कम होगा। कहने का मतलब यह है कि टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल एक दूसरे के दुश्मन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माइंड को रिलैक्स्ड रखें और किसी भी प्रकार की एंजाइटी और स्ट्रेस ना लें, ताकि हमारे कोर्टिसोल लेवल्स कम रहें और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा रहें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अश्वगंधा का भी यूज़ कर सकते हो। कई स्टडीज़ में पाया गया कि अश्वगंधा में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं और स्ट्रेस लेवल कम होता है। नंबर 1, कॉम्पीट विद अदर मैन। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का ये सबसे यूनिक और कारगर तरीका है। दूसरे मेल के साथ कॉम्पीट करो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या छोटी मोटी स्कूल फाइट्स। आपको अपने अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को हमेशा जिंदा रखना है। साइंस डेली के एक आर्टिकल के मुताबिक किसी कॉम्पिटिशन के बाद जिन मैन को ये लगता है कि वो उस कॉम्पिटिशन में जीते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 14.46% तक बढ़ जाते हैं, और जो कॉम्पिटिशन हारते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो लोग कभी कभी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ही नहीं लेते, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल और ज़्यादा कम रहते हैं। इसीलिए आप चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर पार्टिसिपेट करो। इससे आपके साथ के लोगों में आपका स्टेटस भी बढ़ेगा और साथ में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये थे वो 6 नेचुरल तरीके जिनकी मदद से कोई भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा सकता है। मैं एक बार सभी को समराइज कर देता हूँ। नंबर 6, डेली 15 से 30 मिनट सनलाइट में बिताओ, क्योंकि सनलाइट से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है। नंबर 5, रेगुलरली 1 घंटा वर्कआउट करो, क्योंकि वर्कआउट करने से हमारा मसल मास बढ़ता है, जिससे फिर हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4, प्रोटीन रिच डाइट लो, ताकि बॉडी में चर्बी कम हो, मसल्स बने और टेस्टोस्टेरोन बढ़े। साथ में नेचुरल हेल्दी फैट्स भी खाओ, जैसे देसी घी, पीनट्स और बादाम। नंबर 3, हाई एस्ट्रोजन वाली चीज़ों से बचो, जैसे अल्कोहल, सोयाबीन, क्योंकि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, साथ ही प्लास्टिक का यूज़ भी कम से कम करो। नंबर 2, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। एंड नंबर 1, जब भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि दूसरे मैन के साथ कॉम्पीट करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताओ, और ऐसी गजब की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।